अगला इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ पढ़ेंगे लीगल एंड फंक्शनल डिफिनेशंस ऑफ मनी। तो मनी की लीगल और फंक्शनल डिफिनेशंस क्या क्या होती हैं देखते हैं। देर आर टू मेन अप्रोचेस टू डिफिनेशन ऑफ मनी नेमली। तो दो मेन अप्रोचेस हैं मनी की डिफिनेशन करने की, जैसे लीगल डिफिनेशन फर्स्ट वन, लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी एंड फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। तो अब देखते हैं लीगल डिफिनेशन क्या है मनी की। लीगल टेंडर मनी जैसे एनसीईआरटी में जैसा कि मेंशन है, मनी दैट हैज अ लीगल सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा मनी जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कानूनी सैंक्शंस मिला हुआ है, यानी परमिशन मिली हुई है बिहाइंड इट, इसके पीछे, इट इज कॉल्ड लीगल टेंडर और लीगल टेंडर मनी। इसे लीगल टेंडर या लीगल टेंडर मनी कहते हैं, यानी सरकार की परमिशन से ही जो करेंसी बनती है, तैयार होती है, हर किसी को उससे फॉलो करना है, ठीक है। लीगल टेंडर और लीगल मनी मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, मनी अंडर द लॉ ऑफ लैंड। ऐसा मनी अंडर द लॉ ऑफ लैंड यानी कानून के अंडर में आता हो। इट इज़ द मनी इशूड बाई मोनिटरी अथॉरिटी। ऐसा पैसा जो एक मोनिटरी अथॉरिटी या गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाई एनी पर्सन पेमेंट ऑफ फॉर ट्रांजेक्शंस। तो ऐसा पैसा जो एक मोनिटरी अथॉरिटी द्वारा बना हुआ है या गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, छापा जाता है, प्रेफर किया जाता है, जिसका पेमेंट कोई भी पर्सन या ट्रांजेक्शंस को रिफ्यूज नहीं कर सकता, हर किसी को उसे फॉलो करना है, पूरे देश में एक करेंसी एक साथ फॉलो होती है, तो एक लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी कहलाती है। वो जो पैसा या करेंसी नोट जारी किया गया सरकार द्वारा, सभी उसको फॉलो करेंगे और उसके वैल्यू की जो भी कमोडिटी मिलेगी उस उन्हें देना पड़ता है। अब देखते हैं लीगली मनी इज टू टाइप्स, दो तरह की मनी होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो फर्स्ट बन रही लिमिटेड लीगल टेंडर, इट इज़ द मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा फिक्स की गई कुछ निश्चित मैक्सिमम लिमिट को स्वीकार करता है जो पैसा, उसे कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। फॉर इंस्टांस इन इंडिया, इंडिया में क्या है, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर बिकॉज कॉइन्स ऑफ, क्योंकि तो कॉइन्स ऑफ 1, 2, 5, 10 आर एक्सेप्टेड अप टू अ मैक्सिमम सम ऑफ 1000। तो क्या होता है, 1, 2, 5, 10 के कॉइन्स कोई भी पर्सन मैक्सिमम 1000 रुपये तक के ही एक्सेप्ट कर सकता है, जैसा कि कॉइनेज बिल पास हुआ था 11 अगस्त 2011 को। तो 11 अगस्त के बिल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन या किसी भी बैंक में या इंडिविजुअली 1000 की ही करेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा कि वो ना कर सके। बियॉन्ड दिस लिमिट, इससे ऊपर क्या है, वन कुड रिफ्यूज पेमेंट्स इन दीज स्मॉल कॉइन्स। तो इस लिमिट से ऊपर कोई भी पर्सन इन छोटे कॉइन्स को पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है बियॉन्ड सम ऑफ रुपीज 1000। तो 1000 से ज़्यादा के सिक्के अगर आपको देता है कोई पर्सन, तो वो आप रिफ्यूज कर सकते हैं, 1000 तक आप ले सकते हैं। वन कैन रिफ्यूज पेमेंट्स बाई एन इंडिविजुअल इन स्मॉल कॉइन्स बियॉन्ड दिस लिमिट। तो इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअली पेमेंट करता है आपको, तो भी आप मना कर सकते हैं, आपका राइट है। अब देखते हैं डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। नोट में दिया है डिमोनेटाइजेशन फ्रॉम मिडनाइट ऑफ नवंबर 8, 2016 की मिडनाइट को द गवर्नमेंट डीमोनेटाइज्ड स्क्रैप्ड एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स। तो उस समय जो चल रहे थे करेंसी नोट्स 1000 और 500 के, उनको ब्लैक मनी को वापस लाने के रूप में कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन दोनों तरह के नोट्स को बंद कर दिया था। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इशूड न्यू करेंसी नोट्स। तो सेम टाइम गवर्नमेंट ने 2000 और 500 के न्यू करेंसी नोट्स इशू कराए थे। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं क्लास हम, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। इट इज़ द मनी फॉर विच देयर इज नो लिमिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ऐसा मनी जिसमें मनी क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं होती, ऑफर्ड अप इन ए पेमेंट एट ए टाइम। तो एक समय में दिया गया पेमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, उसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं, ठीक है। जैसे पेपर नोट्स हैं, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहलाएंगे, कोई भी कितने पेमेंट कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट बात, नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? जैसे इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी हुज एक्सेप्टेंस इज ऑप्शनल, ऐसा मनी का फॉर्म जिसका स्वीकार करना एक ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल, एक्सचेंज आर इन यूज एज मनी, मनी के रूप में यूज किए जाते हैं, बट दे हैव नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम, लेकिन उनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता, तो उन्हें नॉन लीगल टेंडर मनी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे, कोई पर्सन चाहे तो वो चेक नहीं लेगा, वो कैश लेगा, तो उसकी इच्छा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। तो मनी की फंक्शनल डिफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शन टर्म्स से डिफाइन किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली मनी इज दैट विच मनी डज, मनी वह सब कुछ है जो को करता है। इट इज बेस्ड ऑन द फोर फंक्शंस ऑफ मनी, ये मनी के उन फोर फंक्शंस बेस पर है, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर, ये फोर मेन फंक्शन ऑफ मनी के। तो ऑलरेडी इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रॉडली एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट, तो कुछ भी जनरली पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, अब डेट एंड एज ए पेमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स और सर्विस के पेमेंट के रूप में, शुड बी इंक्लूडेड इन मनी, उसे मनी के रूप में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अल्टरनेटिवली इफ अ गुड इज जनरली एक्सेप्टेबल इन पेमेंट, अगर कोई भी वस्तु पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट की जाती है एंड जनरली यूज इन मीडियम ऑफ पेमेंट, तो क्या होगा? इट शुड बी ट्रीटेड एज मनी, तो उसे भी पैसे के रूप में माना जाएगा, नो मैटर वाट इट्स लीगल स्टेटस इज, तो कोई मतलब नहीं होता कि उसका लीगल स्टेटस क्या है या नहीं। तो ये फोर फंक्शन हुए, फंक्शनल डिफिनेशन हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मनी।